चलिए बच्चों, आज मैं आपके साथ हूँ जेएसएल लाइब्रेरी की एक नई कहानी किताब के साथ। किताब का नाम है लाल परी। इसको लिखा है रंजना फतेहपुरकर ने और चित्र बनाया है सरोज सरकार ने। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। रविवार का दिन था। सुबह की गुनगुनी धूप बहुत सुहानी लग रही थी। संस्कार 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 ने खिड़की से देखा। उसके सारे दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे। अपना बैट लेकर वह अपने दोस्तों के साथ कॉलोनी के बगीचे में क्रिकेट मैच खेलने चल दिया। संस्कार की टीम मैच जीत गई। उसके सभी दोस्त खुश होकर घर लौट चले। संस्कार भी बैट घुमाते हुए घर की तरफ चल दिया। अभी वह गेट पर पहुंचा ही था कि उसकी नज़र क्यारी में टहनी पर झूमते एक लाल गुलाब पर पड़ी। उसकी पंखुड़ियों पर ठहरी ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। लाल गुलाब पर मंडराती तितली जैसे गुलाब के कानों में कोई मीठा सा गीत गुनगुना रही थी। इतने खूबसूरत लाल गुलाब को देख संस्कार का मन उसे तोड़ने को मचल उठा। उसने बगीचे में चारों ओर नज़र दौड़ाई। माली कहीं नहीं था। पिछली बार फूल तोड़ते हुए उसे माली ने देख लिया था। फिर माली ने समझाया भी था, बोला था, संस्कार भैया फूल मत तोड़ा करो, देखो बगीचे की सुंदरता फूलों से है। अगर तुम फूल तोड़ोगे तो बगीचे की शोभा ख़त्म हो जाएगी। फूलों में भी जान होती है, वक्त से पहले तोड़ने से वे दुखी होते हैं। परंतु संस्कार ने मालिक की बात अनसुनी कर दी थी। सुंदर सुंदर फूल संस्कार को हमेशा आकर्षित करते थे। वह फूलों को तोड़कर उन्हें थोड़ी देर उछालता और फिर पंखुड़ी पंखुड़ी अलग कर फेंक देता। उसकी रानू दीदी उसे समझाती, संस्कार फूल मत तोड़ा करो, पहले ही उनकी ज़िंदगी छोटी होती है। अपनी छोटी सी जिंदगी में भी वे सृष्टि को सजाते हैं, संवारते हैं, खुशबू फैलाते हैं और मुसीबतों में कांटों से घिर कर भी मुस्कुराकर जीना सिखाते हैं। तुम असमय तोड़कर उन्हें उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य भी पूरा करने नहीं देते, कितने दुखी होते होंगे फूल। संस्कार हंस देता, कहता, फूल भी कहीं दुखी होते हैं रानू दीदी? संस्कार अपनी आदत से बाज नहीं आता था और अब फिर खूबसूरत लाल गुलाब को देख उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। टहनी थोड़ी ऊंची थी। उसने एक छलांग लगाई और टहनी को पकड़कर झुका लिया और लाल गुलाब जैसे ही तोड़ा उसकी चीख निकल गई। एक कांटा उसके अंगूठे में धंस गया। टहनी झटके से खींचने से गुलाब भी टूटकर धूल में बिखर गया। संस्कार की आंखों में आंसू छलछला उठे। कांटा भी चुभ गया और गुलाब भी नहीं मिला। दुखी मन से बिखरी पंखुड़ियों को देखा। पंखुड़ियों पर कहीं कहीं अब भी ओस की बूंदें चमक रही थी, लेकिन अब संस्कार को महसूस हुआ कि ये ओस की बूंदें नहीं हैं, ये तो गुलाब के आंसू हैं जो असमय बिखर जाने की वजह से पंखुड़ियों पर छलक आए हैं। आज संस्कार को मालूम पड़ा कि जैसे उसे कांटे की टीस से दर्द हुआ है, वैसे ही चोट पहुँचने पर फूलों को भी दर्द होता है। संस्कार के आंसू पंखुड़ियों के आंसू से मिलकर एकाकार हो गए। संस्कार उदास मन से घर की ओर चल पड़ा। जब उसे अंगूठे की टीस महसूस होती, अपने दर्द के साथ लाल गुलाब की पंखुड़ियों पर ठहरे आंसू भी याद आते। संस्कार का सारा दिन उदासी में बीता। रात में सोते समय भी उसे लाल गुलाब की याद आती रही। तभी उसने देखा कि एक खूबसूरत सी तितली उसके कमरे में मंडरा रही है। एकदम चमकीला लाल रंग, उस पर हरे पीले रंग की बुंदकियाँ। संस्कार तितली को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तितली धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। वह घर से बाहर निकल गई। संस्कार भी आकर्षित हो तितली के पीछे पीछे बाहर निकल आया। तितली बहुत दूर निकल आई।
चारों तरफ हरियाली थी, तरह तरह के फूल खिले हुए थे। तितली जाकर एक अधकिले लाल गुलाब पर बैठ गई। संस्कार यह देख हैरान रह गया कि वैसा ही लाल लाल गुलाब था जैसा उसने सुबह बाग में देखा था। उसी तरह टहनी पर झूमता मुस्कुराता अपनी मोहक खुशबू से सबको लुभाता। अचानक वह लाल गुलाब एक खूबसूरत लाल परी में बदल गया। उसके हाथ में एक प्यारा सा लाल गुलाब था। लाल परी ने वह लाल गुलाब संस्कार को दिया और बोली, लो संस्कार, यह गुलाब लाल गुलाब तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें ऐसा ही लाल गुलाब चाहिए था ना? संस्कार बोला, हाँ परी दीदी, पर अब मैंने निश्चय किया है कि मैं व्यर्थ ही फूलों को नष्ट नहीं करूँगा। लेकिन यह बताओ, अभी तो तुम लाल गुलाब थी और अब लाल परी बनकर मेरे सामने खड़ी हो। लाल परी बोली, हाँ संस्कार, इसके पीछे एक घटना है जिसकी वजह से मैं लाल गुलाब के रूप में थी। मुझे बताओ ना परी दीदी, वह कौन सी घटना है? संस्कार ने उत्सुकता से पूछा। तो सुनो संस्कार, मैं परी देश की राजकुमारी हूँ। कुछ सालों पहले हम सब परी सहेलियाँ परी देश में रहते थे। कभी बादल में लुका छुपी खेलती, कभी इंद्रधनुष के हिंडोलों पर झूमती, कभी तारों पर चलती थी, कभी बागों में सैर करती। पर मुझ में एक खराब आदत थी। वह थी किसी खूबसूरत फूल खिला देखती उसे तुरंत तोड़ लेती। कभी फूलों से खेलती, कभी उनकी पंखुड़ियाँ बिखेर कर फेंक देती। एक दिन हमारे महल के बाग में एक तपस्वी तपस्या करने आए। मैंने उनके सामने भी कई फूल तोड़े और उनकी पंखुड़ियाँ फेंक दी। जब उन्होंने देखा तो मुझे समझाया और बोले, प्यार परी बेटी, व्यर्थ ही फूल तोड़ना और उन्हें नष्ट करना अच्छी बात नहीं है। प्रकृति ने फूल खिलाकर उस परम सत्ता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। वह फूल, हर पौधा ईश्वरीय सत्ता को समर्पित है। लेकिन मैंने तपस्वी जी की बात को अनसुना कर दिया। एक दिन आदतन मैंने फूल तोड़े और पंखुड़ियों को बिखेर कर तहस नहस कर दिया। तपस्वी जी ने देखा, वे अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, लाल परी, मैंने तुमको कितना समझाया पर तुम नहीं समझी। अब मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम फूल बनकर खिलती रहो और मुरझाती रहो। जब तक तुम्हें फूलों का दर्द स्वयं महसूस नहीं होगा, तब तक तुम समझ नहीं पाओगी दर्द और तकलीफ क्या होती है। तुम्हारी तरह अगर कुछ लोग और हो जाएं, तो दुनिया में पेड़ पौधों का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सबको न पीने के लिए पानी मिलेगा और न खाने के लिए अनाज। और तो और, हमारी सांसें भी प्राणवायु के बगैर हमारा साथ छोड़ जाएंगी। बगैर पेड़ पौधों के हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। न पेड़ पौधे रहेंगे, न वर्षा की झड़ी लगेगी, न ठंडी हवाएं चलेंगी, न लहराता सागर होगा, न गीत गाते झरने होंगे, न कल कल बहती नदियां होंगी, न सुंदर सुंदर पुष्प ही बचेंगे। सारी दुनिया एक मरुस्थल बन जाएगी। इंद्रधनुष के सातों रंग सूख जाएंगे। तब मुझे मेरी गलती की गंभीरता महसूस हुई। सच ही खेल खेल में ही मैंने कितनी विनाशकारी भूल कर रही थी। मैंने और परी सहेलियों ने तपस्वी जी से बहुत माफ़ी मांगी। तब उनका क्रोध शांत हुआ। फिर वे बोले, ठीक है लाल परी, अब मैं अपने शब्द को वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि जब भी किसी को तुम्हारा दर्द महसूस कर आंखों में आंसू आएंगे और आंसुओं का स्पर्श तुम्हारी पंखुड़ियों को होगा, तुम परी के रूप में वापस आ जाओगी। बस उसके बाद तो मैं फूल बनकर खिलती रही, बिखरती रही, मुरझाती रही। इस इंतजार में कभी तो कोई मेरा दर्द महसूस करेगा, मेरे पश्चाताप के आंसुओं से अपने आंसू मिलाएगा। आज सुबह जब तुम्हें दर्द की टीस महसूस हुई और तुम्हें मेरा भी
असमय बिखरने का दर्द महसूस हुआ। तुम्हारी आंखों से झरते आंसुओं ने मुझे स्पर्श किया और मैं शाप मुक्त हो गई। संस्कार, मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी। आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं फिर से परी बनकर परी लोक में जा सकूंगी और मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त भी मिल गया। ये जानकर मैं भी बहुत खुश हूं कि तुमने निश्चय कर लिया है कि अब तुम पर्यावरण को किसी भी तरह हानि नहीं पहुंचाओगे। अब सुबह होने वाली है, अब मुझे अपने परी देश लौटना होगा। संस्कार बोला, हाँ परी दीदी, मैं अपने निश्चय पर हमेशा दृढ़ रहूँगा और साथ ही साथ यह संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि पर्यावरण का संरक्षण ही हमारे जीवन का संरक्षण है। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधे इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वे हमारे सांसों को अमृत दान देते रहे। रानू दीदी की आवाज़ संस्कार को सुनाई दी। उसकी नींद खुल गई, वो अपने घर में ही था। संस्कार के दिमाग में अभी भी लाल परी की सीख गूंज रही थी। वह खिड़की पर जा खड़ा हुआ, उसने आश्चर्य से देखा, उसके घर के बाग में एक प्यारा सा गुलाब खिला हुआ था। ओस की बूंद उसकी पंखुड़ी पर मोतियों की तरह चमक रही थी। लाल गुलाब अपनी टहनी पर खुशी से झूम रहा था। लाल गुलाब संस्कार की तरफ देखकर मुस्कुराकर उसका निश्चय याद दिला रहा था। संस्कार ने प्रत्युत्तर में मुस्कुराकर अपने निश्चय का विश्वास दिलाया। अब लाल गुलाब और संस्कार दोनों खुशी से मुस्कुरा रहे थे। तो ठीक है बच्चों, अब आप भी मुस्कुराइए और इस कहानी को मेरे साथ पढ़िए।